हाँ, चलो तो हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन वेलफेयर ठीक है डेढ़ घंटे में चैप्टर खत्म हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्यों क्योंकि इससे दो क्वेश्चन क्या आते हैं दो क्वेश्चन आते हैं और बड़े इजी इजी क्वेश्चन होते हैं टू द पॉइंट क्वेश्चन होते हैं तो हम इसके क्या करेंगे मार्किंग कर देंगे पॉइंट वाइज जो जो जहां से क्वेश्चन आएगा वहीं आपको पढ़ना है तो इसका मार्किंग एनसीआरटी खोलो और इसका मार्किंग स्टार्ट करो खोलो और इसका मार्किंग बेटा इसका लिखवाने का कोई पॉइंट ही नहीं है ठीक है इस, इसका हम जहां जहां जो जो है, जो इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रा है वो हम साइड में लिखवा देंगे बट फूड प्रोडक्शन का लिखवाने का कोई पॉइंट ही नहीं है इसका एकदम बिल्कुल मार्किंग करा देते हैं ना तुम्हारा एकदम देखो पॉइंट पॉइंट नंबर नंबर टू करके हम पूरा मार्किंग करा देंगे ठीक है टेंशन मत लो ठीक है हा तो आइए हाँ, तो आइए तो, तो क्या है भाई तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे टाइम पास है यहाँ पे सिर्फ यहां से यहां तक आपको कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है ठीक है तो माइक्रोव में क्या आ गया तो माइक्रोब्स कुड बी एनी थिंग प्रोटोजोआ बैक्टीरिया फंगाई एंड माइक्रोस्कोपिक प्लांट वायरस वायरॉइड्स एंड ऑल्सो ठीक है और के बारे में हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तो बस ये वाला पॉइंट नंबर वन हो गया कि माइक्रोब्स मतलब कोई भी चीज जो माइक्रोस्कोप की मदद से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं उसको हम माइक्रोब्स बोल देंगे उसको हम माइक्रोब्स बोल बस यहां तक इसमें ये पढ़ना है ठीक है और इससे ज्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है ठीक है तो कल्चर ऑफ बैक्टीरिया या फंगाई आप नेकेड आई से देख सकते हैं बाकी नॉर्मल इंडिविजुअल बैक्टीरिया फंगाई माइक्रोस्कोप आप अपने नेकेड माइक्रोस्कोपी से नहीं देख सकते उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी ठीक है चलो तो अब यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर दिया हुआ है बैक्टीरिया का ये रॉड शेप बैक्टीरिया है रॉड शेप में क्या आ जाएगा तुम्हारा तुम्हारा कोई भी बैसिलस आ गया वो सारे रॉड शेप है ठीक है ये वाला कॉकस है ठीक है तो ये रॉड ठीक है थीके? ये तुम्हारा कॉकस है या स्पेरिकल है ठीक है तो इस तरह से अलग अलग बैक्टीरिया के शेप आपको दिए हुए हैं ठीक है थीके? ये आपका अलग अलग यहाँ पे फिर तीन बैक्टीरिया यहाँ पे तो ये बैक्टीरियो फेज है ठीक है इट फीड्स ऑन इकोलाईकोलाई पे ये फीड करता है इट फीड्स ऑन इकोलाई ये आपका एडीनो वायरस है ठीक है ये आपका एडीनो वायरस है और ये आपका कॉमा शेप जो है रॉड शेप वायरस हो गया ये आपका टोबैको मोजैक वायरस है तो इसका लेबलिंग आ सकता है अगर डायग्राम दे दिया तो इसका लेबलिंग आ सकता है ठीक है ये है रोडोस्पायरुलम रोडो स्पा रू लम रॉड शेप बैक्टीरिया जो फ्लैजिला है इसके पास फ्लैजिला है इसके पास तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ठीक है तो ये इस तरह से आप बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर देख सकते हैं ना रॉड शेप्ड है बैक्टीरियो फेज एडीनो कुछ ऐसा इसमें मेजर कुछ ऐसा बहुत बड़ा चीज नहीं है ठीक है अच्छा तो ये तुम्हारा देखो फंगल कॉलोनी दिख रहा है और ये इंडिविजुअल बैक्टीरिया का कल्चर दिख रहा है तो फंगल कॉलोनी एक जगह पे सेग्रीगेटेड है बैक्टीरियल कल्चर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आपको दिख रहा है अगेन कुछ भी बहुत मेजर नहीं है आज तक कभी इस पे सवाल आया नहीं है इस तरह के डायग्राम बेस्ड सवाल आज तक कभी नीट में नहीं आया अगर हो तो आ जाए लेकिन पॉइंट है कि इसका डायग्राम बनाने में नीट वालों को बहुत दिक्कत होगा तो मुश्किल है कि इस तरह के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे ठीक है आगे बढ़ते तो अब आते हैं माइक्रोब हाउस होल्ड प्रोडक्ट अब यहां से काम का चीज स्टार्ट होता है सबसे पहले हाउस होल्ड प्रोडक्ट में हम क्या यूज करते हैं क्या क्या घर के चीज में माइक्रोव यूज होंगे सबसे पहले सबसे पहला होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट कन्वर्टेड इन टू के प्रोडक्शन में कर्ड के प्रोडक्शन में यहाँ पे ये मेजरली काम करेगा तो ड्यूरिंग ग्रोथ ड्यूरिंग ग्रोथ लैब lab एसिड एंड and coagulate एंड पार्शली डाइजेस्ट द मिल्क तो होता क्या दही कैसे जमाते हैं दही कैसे जमाते हैं तो मम्मी क्या करती है थोड़ा सा जोरन लेती है हम लोग हिंदी में उसको जोरन बोलते थे ठीक है तो मम्मी क्या करती है थोड़ा सा दही लेती है ठीक है ये जो थोड़ा सा दही होता है उसको हम कहते हैं इनोक्यूलम ठीक है inoculum. ये जो थोड़ा सा दही होता है उसको हम कहते हैं इनोक्युलम हम क्या कहते हैं दूध को गर्म करते हैं फिर दूध को ठंडा कर देते हैं उसमें इनोकुलम डालते हैं और अच्छे से मिला देते हैं रात में उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब 25-30 डिग्री सेल्सियस के डिग्रीचर पे छोड़ देते हैं और सुबह जब हम उठते हैं तो हमको दिख जाता है दही जम गया सुबह जब उठते हैं उसको हम दिख जाता है दही जम गया राइट तो वो इनोक्यूलम होता है तो हम क्या करते हैं अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज इनोकुलम इनोक्यूलम या स्टार्टर मिलियंस ऑफ लैब विच एट सुटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई दिल्क इंटू कट यह बहुत इंपॉर्टेंट है पच्चीस से थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस ठंड में तुम देखोगे दही आराम से नहीं जमता तो मम्मी क्या करती है कि गर्म ऐसे लपेट वपेट के कुछ रख देती है ठीक है तो ठंड में दही आराम से नहीं जमता गर्मी में एकदम मस्त दही जमता है ठीक है अच्छा दूसरा क्या होता है िन बी ट्वेल्व दो चीज करता है, अब दही खाने से क्या फायदा होता है? पहला दूध डाइजेस्ट नहीं होता लेकिन अगर हम दही खाएंगे तो दही एकदम मस्ट और क्या होता है आपका वाइटामिन बी ट्वेल्व भी बहुत बढ़, जा, बढ़ जाता है बॉडी में वाइटामिन बी ट्वेल्व भी बढ़ जाता है बॉडी में ठीक है तो क्या क्या किया, कर्ड? कर्ड किया? प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट कर दिया जिससे आपका कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो गया दूसरा क्या किया वाइटामिन बी ट्वेल्व का न्यूट्रिएंट्स बढ़ा दिया तो ये आ ये आ ये ये आ गया आ पे, ये आ गया आ पे, ये आ गया 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 यहां 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 पे 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 ठीक है के दूसरा दूसरा डफ देखे गया ना कभी पिज्जा का क्रस्ट या आटा में भी थोड़ा 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 गूंद के आप बेकिंग सोडा डालते थे या कुछ ऐसे तो यहां पे भी काम आता है ठीक है तो डफ विच इज यूज इन मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली इज ऑल्सो फर्मेंटेड बाय बेक री या तो इडली और डोसा में तुम देखोगे कि तो वैसे फूलता है जितना फ्लफी इडली होगा ठीक है वो कैसे है क्योंकि उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो ये कैसे होता है भाई तो यहां पर तुम्हारा सेक्चरोमाइसिस जिसको हम बेकर ब्रीस्ट कहते हैं तो क्या हुआ तो सिमिलरली डिच इज यूज फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड यूजिंग बेकर ईस्ट यहाँ पॉइंट है इंपॉर्टेंट बेकर्स ईस या ब्रीज दोनों इसको हम सेक्चर सर्विस से कहते हैं पॉइंट नंबर थ्री लिखो ठीक है होता क्या ये करता क्या ये क्या है 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 ये ये करता करता ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है क्योंकि ये एनेबिक रेस्पिरेशन करता है ठीक है एंड ड्यू टू दिस कार्बन डाइऑक्साइड ये पोर्स इसमें जनरेट होते हैं और ये फ्लफी हो जाता है है ना पोर्स इसमें जनरेट होते हैं और ये फ्लफी हो जाता है तो दोनों बेकर सीस्ट और सीस्ट दोनों यही हो जाएगा ठीक है बेकर ठीक है बेकर सीस्ट जो ब्रेड वाला हुआ और ब्रिय अब हम लोग इसमें क्या एडिशन बेकिंग सोडा भी डाल देते हैं ताकि उससे भी अगेन थोड़ा कुछ कुछ निकले है ना कार्बन डाइऑक्साइड तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा उतना ही फ्लफी होगा ठीक है दूसरा होता है टॉडी कहते हैं टॉडी टॉडी देखिए टॉडी इसको हिंदी में ताड़ी कहते हैं क्या कहते हैं ताड़ी कहते हैं तो तुमको साउथ इंडिया में या नॉर्थ इंडिया में तुमको ताड़ का पेड़ में दिखेगा ताड़ के पेड़ में क्या करते हैं ये लोग कि सपोज मान लो ये ताड़ का पेड़ है सपोज मान लो ये ताड़ का पेड़ है एक आदमी चढ़ जाएगा ऐसे बंदर की तरह ठीक है चढ़ गया और यहां पे इसको ये प्लांट सैप को काट देता है ठीक है और एक घड़ा लगा देता है ठीक है एक घड़ा लगा देता तो है रात में ये लगा दिया रात में लगा दिया ठीक है अगर अगर ये घड़ा सुबह सुबह निकाल दे बिफोर सनराइज निकाल दे ठीक है तो एकदम फ्रेश प्लांट शाइप होगा बहुत न्यूट्रिशनस होगा ठीक है बट बट अगर इसको छोड़ दे दिन में और इस पे सनलाइट पड़ जाए इसको छोड़ दे दिन में और इस पर सनलाइट पड़ जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है टॉडी में क्योंकि इसका फर्मेंटेशन हो गया फर्मेंट स्टेशन हो गया तो अगेन ये भी तुम्हारा गाँव वाँव में लोग पीते हैं ये टाड़ी में कन्वर्ट हो जाता है और इसका फर्मेंटेशन हो गया ठीक है तो ये चीज़ होता है तो ये टॉडी हो गया तो टॉडी इज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक इन सम पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया दैट इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम तो पाम ट्री से बनता है टॉटी पाम ट्री से बनता है टॉटी और कुछ कुछ फिश से भी सोयाबीन से भी एंड बैम्बू से भी बनाते हैं अच्छा बाय द वे गोवा तो तो में जाओगे तो गोवा में कैशू से बनाते हैं इसको कहते हैं फेनी करके है। कहते कह केल्कोहलिक बेवरेज होता है वो कैशू से बनाते हैं तो अलग अलग तरह तो के हैं तो अलग अलग जगह से वहां से बनाते हैं तो ये चीज तुम्हारा हो गया यहां पर तो सेक्चेरोसिस लैब दो चीज तुमको याद रखना है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और सेक्चेरोसिस सर्विस से। सेक्चरोमाइसिस जो है तुम्हारा वो ब्रियोर्स ईस्ट और बेकर्स ईस्ट है ठीक अब आते हैं चीज की बात करते हैं अब आते हैं चीज की बात करते हैं तो चीज बेटा कैसा कैसा है देखो दो चीजें दूसरा चीज चीज इज ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स विच माइक्रोसवेयर यूज यहां पे पांचवा नंबर चीज इटली में तुम्हारा इतना अच्छा अच्छा चीज मिलते हैं ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज वहां पे अलग 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 टाइप के तुम्हारे थोड़ा खट्टा वाला चीज हो जाएगा रॉकफोटी हो गया स्विस चीज आ जाएंगे अलग अलग तरह के चीजें ठीक है तो डिफरेंट वराइटीज ऑफ चीज आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्स्चर अगर गड्ढे गड्ढे हैं तो स्विस चीज है ना कड़ा ऑरेंजेस है और खट्टा साफ बना रहा है तो रॉकफोटी चीज है ठीक है फ्लेवर एंड टेस्ट द स्पेसिफिसिटी कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज अब जो माइक्रोब्स हम यूज करेंगे उसके हिसाब से ही मेरे पास फ्लेवर्स आएंगे उसके हिसाब से ही मेरे पास फ्लेवर्स आएंगे ठीक है तो क्या क्या होता है भाई तो फॉर एग्जाम्पल लार्ज होल्स इन स्विस चीज स्विस चीज में क्या होता है बड़े बड़े आपको छेद देखने को मिल जाएंगे पॉइंट नंबर सिक्स लिख लो ठीक है अच्छा कैसे अमाउंट ऑफ कार्बन डाइ ऑक्साइडीरियम प्रोपीनियोनी शर्मानी शर्मा गई भाई। ठीक है ऐसा ठीक है? तो है ना प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी शर्मानी से शर्माते शर्माते निकल गया और यहाँ से गड्ढे बन गया ठीक है डिम्पल है होता है ना शर्माते सरते ऐसा कहते हैं ना तो ना, ना तो वैसे गड्ढे बन गया तो वो स्विस चीज हो गया ठीक है तो ऐसे याद कर लो शर्मानी से स्विस चीज और रॉक चीज हो गया रॉक फोर्टी से रॉक फोर्टी से रॉकफॉर्ड चीज हो गया ठीक है रॉक फोर्टी पेनीलियम रॉक फोर्टी ठीक है इससे क्या हो गया रॉकफोर्ट चीज आ गया इससे क्या हो गया रॉकफोर्ट चीज आ गया पॉइंट नंबर सेवन पॉइंट नंबर सेवन यहां तक किसी को दिक्कत अंगूठा दिखाओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत यहां तक किसी को कोई दिक्कत शर्मानी स्विस चीज रॉकफर्टी रॉकफोर्ट ती, चीज जल्दी हाँ बेटा ब्रूअर्स ईस्ट और बेकर एक ही है खाना और दारू एक ही बैक्टीरिया वो तुम्हारा दे रहा है सेक्चरोमाइसिस ठीक है, चलो बहुत अच्छा आगे अगला आते हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आप देखो तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का यूज होता है तो माइक्रोब्स को एकदम हम बढ़िया से अच्छा दमा जैसा ट्रीटमेंट देते हैं ठीक है और हम उसको ग्रो कराते हैं जिससे हमको अलग अलग चीज मिलता है क्या क्या मिलता है बेवरेजेस दारू अभी बात करेंगे और एंटीबायोटिक तो दवा दारू दोनों मिलते हैं हमको ड्यू टू दीज फर्मेंटस क्या मिलेगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हम दवा और दारू दोनों का जुगाड़ करेंगे तो देखो पहले फर्मेंटेड बेवरेजेस की बात करें तो आओ तो यहाँ पे ध्यान से सुनना यहाँ पे ध्यान से सुनना फर्मेंटेशन से किससे बनता है और डिस्टिलेशन से किससे बनता है लिखो फर्मेंटेशन से फर्में बियर ठीक है वाइन ठीक है और क्या क्या आता है भाई और क्या क्या होता है बियर वाइन और कुछ होता है बियर और वाइन डाल तुम्हारा फर्मेंटेशन से बन जाएगा ठीक है डिस्टिलेशन से डिस्टिलेशन से बनता है तुम्हारा विस्की रम ओ अच्छा दिख नहीं रहा अच्छा अच्छा सॉरी 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 का जिन है ना ये सब सब कुछ तुम्हारा इसे ब्रांडी ये सब कुछ तुम्हारा जो है डिस्टिलेशन से बनता है ठीक है फर्मेंटेशन में मैक्सिमम अल्कोहल का कंसेंट्रेशन मैक्सिमम अल्कोहल जो हो सकता है वो तेरह से परसेंट तक हो सकता है ठीक है इसमें फोर्टी टू सिक्सटी परसेंट तक अल्कोहल हो जाता है कहीं कहीं तुम्हारा कुछ मिलेगा जिसमें सिक्सटी परसेंट से भी ज्यादा अल्कोहल होता है ठीक है जो अल्कोहल हम यहां पे देते हैं इसको हम कहते हैं इथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल इज टॉक्सिक फॉर योर बॉडी इथाइल अल्कोहल इज नॉट दैट टॉक्सिक फॉर योर बॉडी ठीक है ठीक है शर्मा पनी शर्मा यार कुछ भी बोल देते हैं ना तुम लोग ठीक है तो अलग 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 ये आता है ठीक है तो अगर फर्मेंटेशन से बन रहा है तो तेरह से चौदह परसेंट मैक्सिमम एल्कोहल क्वेंट हो सकता है जैसे मतलब ठीक है जैसे तुम अलग अलग जगह अलग, अलग अलग होता है जैसे बियर में ऑन एन एवरेज छह से सात परसेंट होगा ठीक है कहीं और जाओगे तो बियर में आठ से नौ परसेंट हो जाएगा कुछ बियर में तेरह चौदह परसेंट भी होता है वाइन में तेरह से चौदह परसेंट के आसपास अल्कोहल रहता है और डिस्टिलेशन जो विस्की बनता है इन सब में फोर्टी तो टू फिफ्टी परसेंट रहता है ठीक है अच्छा तो क्या क्या भाई क्या क्या भाई तो हैव बीन यूज फॉर टाइम मेमोरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस लाइक वाइन बियर ये फॉर्मेंटेशन हो गया विस्की ब्रांडी और रम ये डिस्टलेशन हो गया ठीक है फॉर द सेम ईस्ट सेक्चर सरवी याद रखना कि तेरा परसेंट एल्कोहल से ज्यादा अगर एल्कोहल हो जाता है तो ईस्ट मर जाता है उसके लिए वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो जाता है इसलिए फर्मेंटेशन में हम तेरह परसेंट ही एल्कोहल कंटेंट जनरेट कर सकते हैं <coughs> अच्छा बिग पंखा अरे आई एम ऑल्सो बिग पंखा ठीक है चलो ठीक है कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत यहां तक ठीक है तो देखो तो देखो <coughs> विस्की ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन और वाइन एंड बियर इज प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन याद रखना ठीक है ये ही इतना दारू दारू तो तुम लोग को पता ही है तुम लोग तो वैसे भी सब बेवड़े हो ठीक है तो यहां पे भी आठ नंबर डाल दो तो यहाँ पे ठीक है कौन सा डिस्टिलेशन से होता है किसमें कितना एल्कोहल कंटेंट है किसमें क्या है ये बेसिक आपको जानना है व्हाट इज जिन अब जिन अब हम कैसे बताए जिन जिन बनता है पता नहीं कैसे है। अब उतना हमको आइडिया नहीं है दारू कैसे बनता है ठीक है दुकान तो है नहीं मेरा ठेका खोल के रखे हुए ठीक है अगला आते हैं एंटीबायोटिक दवा दारू तो बहुत हो गया अब दवा का भी बात कर लेते ठीक है एंटीबायोटिक सुनो ध्यान से पहला एक्सीडेंटल डिस्कवर किया था फ्लेमिंग ने ठीक है बट बट एंटीबायोटिक पहला एंटीबायोटिक जो लाया था वो लाया था चेन एंड फ्लोरी ने चेन एन फ्लोरी ने जो एंटीबायोटिक का फुल यूज लाया था और तीनों को नोबेल प्राइज मिला था 1945 में फॉर दिस डिस्कवरी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंटीबायोटिक का बहुत मेजर रोल था सैनिक लोग घायल हो जाते थे दुनिया भर में उसको प्लेग हो रहा था टाइफाइड हो रहा था बहुत सैनिक ऐसे मर जा रहे थे ठीक है जर्मनी में बहुत सैनिक मरे तो ठीक है तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एंटीबायोटिक्स प्लेट ए वेरी क्रूशियल रोल ठीक है तो यहाँ पे फ्लेमिंग चेन एंड फ्लोरी वॉर नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरिंग एंटीबायोटिक्स कैसे कैसे बना एंटीबायोटिक्स हम देख लेते हैं तो क्या है भाई एलेक्सेंडर फ्लेमिंग पहला जो एंटीबायोटिक्स था दैट वॉज पेनीसिलीन

पॉइंट नंबर नाइन लिख लो ठीक है सबको समझ में आया नहीं सबको समझ में आया बेटा सबको समझ में आया हाँ या नहीं ठीक है स्टेप क्या पेनिसिलियम नोटेटम एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था किसने एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बट चेन एंड फ्लोरी ने उसका फुल पोटेंशियल बताया कि क्या क्या हम यूज कर सकते थे एंटीबायोटिक्स का और तीनों को नोबेल प्राइज मिला था 1945 में ठीक है पॉइंट मैंने आपको बता दिया तो दुनिया भर के एंटीबायोटिक्स फिर आपको मिलने लगे जैसे एंटीबायोटिक्स ऑलरेडी डेडली डिजीज जैसे प्लेग उस टाइम पे बहुत महामारी हुआ था कफ एंड लेप्रेसी कुछ इन सब के लिए एंटीबायोटिक्स हम यूज कर रहे हैं टाइफाइड ट्यूबरकोसिस दुनिया भर के लिए टीवी के लिए इतना मुहिम चल रहा है एंटीबायोटिक्स का ठीक है तो इन सब के लिए हम एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हैं ठीक है तो अभी हमने देख लिया कर्ड एसिड बैक्टीरिया उसके बाद हमने देख लिया बेकर चीज ठीक है उसके बाद हमने देख लिया सर्मानी अपनी हमारी रोकफोर्टी ठीक है स्विस चीज चीज और चीज, उसके बाद हमने फर्मेंटेड बेवरेजेस देख लिया और उसके बाद हमने अभी क्या देख लिया हमने अभी देख लिया एंटीबायोटिक्स आगे बढ़ते सिर्फ नाम आएगा इसमें जो जो नाम हम बता रहे हैं जो जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं सिर्फ वही आएगा चल आगे बढ़ते अब केमिकल्स इंजाइम और बायो एक्टिव मैटर देखो अलग अलग लिख लो केमिकल इंजाइम्स और बायो एक्टिव मैटर ठीक है लिख लो भाई अगर कहीं लिखना है साइड में तो इसको लिख लो ठीक है सॉरी लिखा हो वैसे हम साइड में ऐसे लिख देते ताकि तुमको एक जगह मिल जाए सिट्रिक एसिड इस पे टेबल के फॉर्म में तुमको मैच द फॉलोइंग आ सकता है एस्परजिलस, नाइजर ठीक है एसिटिक एसिड किससे होगा एसेटोबैक्टर एसीटाइ ठीक है बटरिक एसिड क्लॉस्ट्रीडियम बटिलिकम ठीक है हम मार्क भी कर देते हैं एनसीआरटी हम मार्क भी कर देते हैं एनसीआरटी में ठीक है तो क्या क्या भाई एस्परजिलस नाइजर सिट्रिक एसिड पॉइंट नंबर टेन ठीक है एसीटोबैक्टर एसिटिक एसिड एंड क्लॉस्ट्रीडियम बटिलिकम बट्रिक एसिड एंड ये इंपॉर्टेंट कर दिया ठीक लाइपेज आर यूज इन डिटर्जेंट्स ऑयल स्टेन के लिए लाइपेज यूज होता है लाइपेज क्योंकि तेल गिर गया तो हम लाइपेज डालेंगे तभी तो वो ब्रेक डाउन करेगा ना ठीक है तो यहां पे यूज हो गया ठीक है दूसरा स्ट्रेप्टोकाइनेस क्लॉट बस्टर होता है ये भी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेप्टोकाइनेस क्लॉट बस्टर होता है कभी किसी को मान लो क्लॉट हो गया ठीक है कहीं भी मान लो यहां पे मेरे क्लॉट हो गया तो मैं स्ट्रेप्टोकाइनेस दूंगा क्लॉट बस्टर इंट इज प्रोड्यूस फ्रॉम स्ट्रेप्टोकॉक ठीक है buster, तो यह प्रिवेंट करता है हार्ट अटैक से ठीक है यह प्रिवेंट करता है हार्ट अटैक से ठीक है उसके बाद साइक्लोस्पोरिन ए ये इम्यूनोसप्रसेंट होता है विच इज प्रोड्यूस बाय ट्राइकोडर्मा पोलिसम इसी सब पे सवाल आया हुआ है साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट प्रोड्यूस बाय ट्राइकोडर्मा पॉलिसपोरम मान लो कि किसी को हार्ट ये हार्ट ट्रांसप्लांट कराया या किसी का मान लो किडनी ट्रांसप्लांट कराया तो इम्यूनोसप्रेसेंट हमको देना पड़ता है जो साइक्लोस्पोरिन ए होता है विच इज प्रोड्यूस बाय ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ठीक है अच्छा दूसरा स्टैटिंग क्या करता है statins, statins भी ईस्ट से ठीक है और ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअर करता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअर करता है स्टैटिंस क्या करता है ईस्ट ये तुम्हारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअर करता है लिखो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट पुरस ठीक है तो पॉइंट लिख लो दस नंबर पॉइंट मैंने यहां लिखवा दिया ठीक है ग्यारह नंबर स्टेप्टोकाइनसोकॉकस बारह नंबर साइक्लोस्पोरिन ठीक है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम और स्टैटिन तेरह नंबर ये इंपॉर्टेंट है नाइन्टी परसेंट चांस है क्वेश्चन यहीं इस से आएगा इसी टेबल से नाइनटी परसेंट चांस है क्वेश्चन इसी से आएगा क्वेश्चन इसी से आएगा नाइनटी परसेंट चांस सबको आया नहीं जल्दी बताओ कोई दिक्कत है यहां तक नहीं है तो अंगूठा दिखाओ जल्दी क्या क्या है स्ट्रेप्टोकाइनेस क्लॉट ब्लस कर, बस करता है किससे बनाया स्ट्रेप्टोकोकस से बना है, है। साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मापोलिस्पोरम फंगस ठीक है और स्टैटिन स्टैटिन मोनस्कस पुरपुर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअर करता है साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसेंट है और स्ट्रेप्टोकाइनेस क्लॉट बस्टर है सबको समझ आया चल बहुत बढ़िया तो ये तुम्हारा 90 परसेंट है कि क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा 90 परसेंट है कि क्वेश्चन यहीं से आएगा 90 परसेंट है कि क्वेश्चन यहीं से आएगा ठीक है चल आगे बढ़ते हैं अब आते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ये इंपॉर्टेंट अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बायोगैस प्लांट दो इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो आपको मैं समझाऊंगा ठीक है हा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट देखो क्या है ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है ध्यान से सुनना लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट वाटर जनरेटेड एवरी डे तुम बॉटी शूस करते हो और हमको पता है कि सिर्फ के कारण पूरा पानी अनफिट फॉर ह्यूमन यूज हो जाता है इसलिए हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं तो इसको हम कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ताकि जो सीवेज आ रहा है मेरा उसको जब हम वॉटर बॉडीज में छोड़े चाहे किसी लेक में छोड़े चाहे किसी रिवर में छोड़े या किसी समुद्र में छोड़े तो उसको हम प्रॉपरली ट्रीट कर पाए जिससे उसका जो हार्मुल इंप्लीकेशन है वो कम हो तो कैसे करते हैं भाई तो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन दी वे कैसा है हेट्रोट्रॉपिक है मतलब अपना खाना खुद से नहीं बना सकता मतलब किसी और चीज पे डिपेंडेंट है खाने के लिए ठीक है तो सबसे पहला जो होता है सबसे पहला जो होता है क्या बेटा पैक्टीनियस और वा प्रोटीज वाला बेटा पैक्टीनियस और प्रोटीज डाइजेस्ट करने के लिए होता है देखो पैक्टीनियज अगर हम डाल देंगे तो पैक्टीन का डिग्रेडेशन हो जाएगा तो पतला जो वो मिलता है तुमको बॉटल जूस देखे होगा ना कभी कभी एकदम पतला मिलता है जिसमें पल्प नहीं रहता और आजकल तो पल्प वाला मिलने वाला है तो उसमें हम पैक्टीनियस डाल देते तो पैक्टीन का डिग्रेडेशन कर देता है सेल्युलस डाल देंगे तो सेल्युलस का डिग्रेडेशन कर देगा तो जूस पतला हो जाए सिंपल ठीक है हाँ सुनो तो आते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं बेटा छन्ना लगा दिए छन्ना समझते हो ऐसे मान लो पानी आ रहा है एक जाला लगा दिए जिससे सॉलिड डरवाइज वगैरह सब रह रहेगा सबसे पहला होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट तो दीज दीज ट्रीटमेंट्स ट्रीटमेंट स्टेप बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम द सीवेज दा टू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन तो क्या किए सबसे पहले हम फ्लोटिंग डरवाइज मान लो कि पानी बह रहा है तुमने लेस का जो एक पैकेट फेंका था वो ऐसे एक जाले में फंस गया और उस जाले से वो रह गया अलग उसको हम हटा के अलग फेंक दिया बाय तो फिल्ट्रेशन पहला चीज ठीक है उसके बाद जो मिट्टी है मोटे मोटे सैंड पार्टिकल है उसको हम सेडिमेंटेट करा के बिठा देंगे ठीक है तो देन द ग्रेट सॉइल एंड स्मॉल पेपलूव बाय सेडिमेंटेशन कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत तो पहला सबसे पहले हमने क्या किया? एक डब्बा लिया ठीक है एक आ, नदी पानी रह गया, उसको हम हमने हटा दिया ठीक है? दूसरा वो से मिट्टी था सैंड मिट्टी क्ले था तो उसको हमने बिठा दिया बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन हमने बढ़ा दिया उसको बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन बहुत अच्छी बात है तो क्या हुआ कि ऑल द सॉलिड्स दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज एंड सुपर नेटेंट फॉर्म दूंट ठीक है अब ये सॉलिड सेटल कर गया और उसके बाद जो सामान निकला वो मेरा हो गया ई फ्लूवेंट ठीक है अब जो ई फ्लूंट जो बचा जो ऊपर ऊपर बच गया पानी वाला पोर्शन ठीक है उसको हम लेके चले जाते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली हमने अभी तक क्या किया हमने क्या किया हमने एक पानी मान लो कि यह सीवेज आ रहा है मान लो कि ये सीवेज आ रहा है हमने सबसे पहले क्या किया यहां पे एक जाला लगा दिया इस जाले से क्या हुआ फ्लोटिंग डरवाइस मेरे रुक गया तो यहां पे मान लो लेस का पैकेट है ठीक है तो ये फ्लोटिंग डरवाइस यहां पे रुक गया अब ड्यू टू दिस जाला ड्यू टू दिस जाला पानी अब इधर फ्लो कर गया पानी अब इधर फ्लो कर गया अब हम इसको सेडिमेंटेट करा देते हैं क्या करा देते हैं अब हम इसको सेडिमेंटेट करा देते हैं ठीक है तो ऊपर जो पार्ट बचा ये जो ऊपर वाला जो पार्ट बचा ये मेरा हो गया ई फ्लुएंट क्या हो गया ये मेरा हो गया ई फ्लुएंट ई फ्लुएंट को हम भेज देंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए तो ये प्रोसेस है प्राइमरी ट्रीटमेंट ठीक है क्या क्या हुआ प्राइमरी ट्रीटमेंट में पहला है इसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन पहला है इसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन सुपर बेटा बाहर है ना हम पढ़े थे ना उसमें सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन और दूसरा है इसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन सबको समझ तो में आया नहीं बेटा सेडिमेंटेशन क्यों करते हैं अगर मान लो मिट्टी वाला ज्यादा पानी चला गया तो लेक भर जाएगा मिट्टी से लेक में अलग पानी का दिक्कत हो जाएगा ठीक है तो इसलिए सेडिमेंटेशन करके हम मिट्टी फिट्टी जो भी है मिट्टी पत्थर कंकड़ जो है उसको अलग करते देते ठीक है ये ये तुम्हारा प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ यहां तक प्राइमरी ट्रीटमेंट हो ठीक है अब उसके बाद आते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे जो इंपॉर्टेंट है होता क्या है कि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर है पॉटी ना तुम वो ऑर्गेनिक मैटर ही है तो ये बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर बच जाते हैं ठीक है तो इसको तो द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास इन टू लार्ज एरिएशन टैंक क्यों एरिएशन टैंक क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं जो फीड करते हैं इस ऑर्गेनिक मास पे तो उसको खूब सारा ऑक्सीजन चाहिए तो हम क्या करते हैं कि एक घड़े में बड़े वेसल में उसको डाल देते हैं और उस बड़े से वेसल में नीचे हवा से बुलबुला छोड़ते रहते हैं खूब पानी छोड़ते हैं ताकि जो मेरा बैक्टीरिया है उसको ऑक्सीजन मिलता रहे और वो अपना काम करता रहे वो अपना काम करता रहे वो अपना काम करता रहे ठीक है तो क्या है द प्राइमरी द प्राइमरी फ्लुएंट पासिस इंटू लार्ज एरिएशन टैंक वेर इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली एंड एयर इज पंप्ड इन टू इट दिस अलाउज विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल माइक्रोव इन टू द फ्लॉक्स फ्लॉक्स क्या होता है फ्लॉक्स कहते हैं लिखो फ्लॉक्स इज इक्वल टू मासस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ फंगल फिलाेंट टू फॉर्म अइक स्ट्रक्चर लिखो फ्लॉक इज इक्वल टू बैक्टीरिया प्लस फंगल पिला, तो ये ड्यू टू दिस बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट वाटर मेरा प्यूरिफाई होते जाता है ये बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट से वाटर मेरा होता जाता है और उसका ऑर्गेनिक मास कम हो जाता है उसका बीओडी कम हो जाता है ठीक है और डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ जाता है, है ना डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ जाता है और बीओडी कम हो जाता है बीओडी इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ठीक है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और और तुम्हारा जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है तो अगर डिसॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा है मतलब पानी प्योर है अगर बीओडी ज्यादा है तो पानी इंप्योर है तो हमको बीओडी को कम करना है और डिसॉल्व ऑक्सीजन को बढ़ाना है कब होगा जब मेरे सीवेज में ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कम होगा जब मेरे सीवेज में ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कम होगा मेष मतलब जाला होता है बेटा जाला जैसा ना जाला जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको मेष कहते हैं ठीक है ठीक तो वाइल ग्रोइंग दीज माइक्रोब्स कंज्यूम मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द इफ्लुएंट दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द BOD मैंने बोला था दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द BOD BOD रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इज ऑक्सिडाइज्ड ठीक है तो so, BOD कम हुआ तो so, पानी का पोल्यूशन कम हुआ, ठीक है तो द ग्रेटर द बीओडी द मोर इज द पॉल्यूटिंग पोटेंशियल ये पॉइंट लिख लो ठीक है द ग्रेटर द बीओडी द मोर इज द पॉल्यूटिंग पोटेंशियल <laughs> सॉरी <स्वारी. coughs> तो कौन सा पॉइंट था तेरा ये प्राइमरी स्लज वाला पॉइंट चौदह हो गया फ्लॉक्स वाला पॉइंट पंद्रह हो गया और <coughs> ये डिजोल्व ऑक्सीजन वाला पॉइंट सोलह हो गया ठीक है ये वाला काम यहां तक हो गया सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो गया ठीक है अब उसके बाद क्या होता है कि अब खत्म ये ये करना है ये जो बना था, ये जो बना था, इसको भी तो खत्म करना होगा इसको कहा रखेंगे इतना बैक्टीरिया ठीक है तो इफ्लुएंट इज सेटलिंग टैंक वेयर द बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंटेड अब ये जो मैशलाइटर -like था इसने अपना काम कर दिया अब हम इसको सेडिमेंटेट कर देते हैं एंड दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज तो जो फ्लॉक्स होते हैं आफ्टर सेडिमेंटेशन इट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज फ्लॉक्स आफ्टर सेडिमेंटेशन फ्लॉक्स आफ्टर सेडिमेंटेशन ज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज फ्लॉक्स आफ्टर सेटिमेंटेशन इज कॉल्ड फ्लॉक्स आफ्टर सेटिमेंटेशन इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज ठीक है अच्छा अब इस एक्टिवेटेड स्लज को हम डाल देते हैं एनेरबिक स्लज डाइजेस्टर में तो मतलब ये जो फ्लॉक्स हैं इसको डाइजेस्ट कर जाएंगे कुछ बैक्टीरिया थोड़ा सा हम वापस में डाल देते हैं क्यों कल को ये नदी में जाएगा तो वहां भी हमको चाहिए तो थोड़ा सा हम वापस डाल देते हैं देखो अमाउंट ऑफ इज पम्प बैक इन टू द एरिएम थोड़ा सा हम डाल देते हैं और बाकी जो है हम उसको डाइजेस्ट कर देते हैं और फिर हम पानी को छोड़ देते हैं फिर हम पानी को छोड़ देते हैं ठीक है अब यहां पे भी हमको फायदा अलग मिल रहा है, यहां डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड फंगा इन द स्लज एंड ड्यूरिंग दिस डाइजेशन इट प्रोड्यूसेस मिक्सचर ऑफ गैसे मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो मेरा बायो गैस बनाएगा एंड इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज एनर्जीबल तो इससे हमको एक एनर्जी का भी सोर्स मिल गया इससे हमको एक एनर्जी का भी सोर्स मिल गया सबको समझ में आया नहीं बेटा सबको समझ में आया या नहीं आया फिर से बताना है, जल्दी बताओ सबको समझ में आया तो अंगूठा दिखाओ जल्दी सबको समझ में आया तो सबसे पहले हमने क्या किया सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से सॉलिड डरवाइज हटा दिया फ्लोटिंग डरवाइस ठीक है उसके बाद हमने क्या किया मिट्टी को सेडिमेंटेट कराया उसके बाद हमने क्या किया कि जो मेरा प्राइमरी स्लज था उसको हटा दिया प्राइमरी स्लज को हटा दिया और जो इफ्लुएंट था उस इफ्लुएंट को हमने कहा क्या किया उस इफ्लुएंट को हमने डाला स्लज में उसमें ठीक है उसके बाद उसमें लाइक स्ट्रक्चर -like बना जो फ्लॉक्स बना उस फ्लॉक्स को हमने क्या किया बाद में सेडिमेंटेट किया वो सेडिमेंटेट करने वाला एक्टिवेटेड स्लज हुआ उस एक्टिवेटेड स्लज को हमने डाइजेस्ट करा दिया बाय एनेरोबिक बैक्टीरिया बाय एनेबिक बैक्टीरिया ठीक है एक बार हम डायग्राम बना देते हैं अगर तुम लोग को ऐसा देखना है रुको एक बार हम डायग्राम बना देते हैं लो क्योंकि आखिरी बार पढ़ा रहे हैं वाला चैप्टर हम हाँ। एक बार एक डायग्राम बनाते हैं सुनो देखो क्या हुआ बेसिकली क्या हुआ कि सपोज मान लो कि तुमने चिंटू था चिंटू ने नदी किनारे पौटे किया ये सीवेज हो गया चिंटू ने पाटे किया यहां पे चिंटू का पॉटी आ गया देखो ठीक है ये चला गया नदी में ये चला गया नदी में टिंग निंग 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 अब ये सीवेज से ये नाले से ये नाले से कहा चला गया मेरे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में गया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सबसे पहले जो ये आ रहा था हम इसके चारों ओर एक मेश लगा दिए ठीक है अब चिंटू जो पॉटी कर रहा था ना तो पॉटी करते टाइम वो लेस खा रहा था तो उसने लेस का भी पैकेट फेंक दिया ठीक है उसने एक लेस का भी पैकेट फेंक दिया ठीक है उसने एक ठीक है उसने एक लेस का ही पैकेट फेंक दिया ये लेस का पैकेट जो है ये फ्लोटिंग डरवाई है ठीक है ये रह गया ये रह गया ठीक है इसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन इसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन ठीक येलो वाला पॉटी बाबू ठीक है अच्छा अब क्या हुआ अब उसके बाद जो ये नदी का पानी आया ठीक है ये इधर आया इसको हम सेडिमेंटेट करा देते हैं थोड़े देर हम इसको ठंडा रहने देते हैं, ठंड बैठ भाई तो इसमें क्या हुआ यह सेडिमेंटेशन हुआ दूसरा क्या हुआ तो इसको इसको हम हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे प्राइमरी स्लज और यह जो पानी ऊपर बचा है इसको हम क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे ई ठीक है ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है यहां से यहां तक यह तुम्हारा क्या हो गया ये प्राइमरी ट्रीटमेंट ठीक है अब ये जो इफ्लुएंट है इसको हम डालते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए इफ्लुएंट को हम डालते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए तो यहां पे जो इफ्लुएंट हम जिस टैंक में डाले जहां पे इसका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो रहा है तो यहां पे बैक्टीरिया प्लस फंगल फिलामेंट मिला के मेश लाइक स्ट्रक्चर बना दिया ठीक है इसको हम कहते हैं फ्लॉक्स ये फ्लॉक्स क्या होते हैं ये फ्लॉक्स एरोबिक होते हैं ठीक है तो इसमें क्या होता है कि हम हवा भी छोड़ते जाते हैं अंदर ताकि इनके लिए ऑप्टिमम कंडीशन हो और ये क्या करता है ये ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर जाता है ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करेगा तो इससे क्या होगा मेरा बीओ डी कम हो जाएगा और डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ जाएगा अब इसके बाद इस फ्लॉक को इसको हम लाएंगे दूसरे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में तो इसको हम फ्लॉक को सेटल कराएंगे बैठ जा बेटा हो गया तुम्हारा काम ठीक अच्छा अब हम क्या करेंगे हम यहां पे डालेंगे एनेरबिक स्लज डाइजेस्टर और इस एनेबिक स्लज डाइजेस्टर से हमको क्या मिलेगा बायो गैस थोड़ा सा फ्लॉक हम वापस पानी में डाल देते हैं और यह पानी को वापस हम समुंदर नदी लेक सब जगह डाल देते हैं सबको समझ में आया नहीं सबको समझ में आया हाँ या नहीं जल्दी अंगूठा दिखाओ भाई सबको समझ में आया या नहीं हाँ या नहीं जल्दी 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 सबको समझ में आया बेटा सबको समझ में आया हाँ सबको समझ में आया अंगूठा हाँ दिखाओ एक बार ठीक है चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा ठीक है बेटा वीडियो को तुम लोग लाइक नहीं किया मतलब क्या सीखे हो तुम लोग बट वीडियो को लाइक करो बराबर तो बोलना पड़ता है नालाय को आते के साथ लगा दिया करो अंगूठा चलो आ, आगे बढ़े। तो इसी तरह से ये वाला पार्ट हमारा हो जाता है तो अगेन अलग अलग प्लान बना था यहां पे, ठीक है? गंगा, नमामी, गंगे यहां वगैरह अलग अलग प्लान बना था तो ठीक है तो देखो तो मिनिस्ट्री ऑफ प्लान टू है अंडर दिस प्लान इट इज लार्ज नंबर ऑफ सीवियस प्लांट ताकि पानी में सिर्फ डिस्चार्ज सीवेज ही जाए ये ठीक है तो ये पूरा पार्ट तुम्हारा कंप्लीट हो गया चलिए ये हो गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सीवेज अब अगला आते हैं बायो गैस ठीक है दूसरा आते हैं बायो गैस अब चलो तो ये कौन सा पॉइंट था क्या कितना 16 एक्टिवेटेड स्लज वाला 17 ठीक है और एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर 18 ठीक है। अब यहां नवामी गंगे उन्नीस ठीक है उन्नीस पॉइंटर्स मैंने आपको दिए जी, सेकेंडरी ट्रीटमेंट फ्लॉक्स में होगा ना और क्या हो रहा है ठीक है अगला आते हैं अगला आते हैं प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस तो बायोगैस के लिए यूज होता है मीथेनो बैक्टीरियम विच इज एन ए रोबिक इन नेचर तो इसको हम कहते हैं मीथेनोजेंस जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है उसको हम कहते हैं मीथेनोजेंस तो सर्टेन बैक्टीरिया ग्रो एनरोबिकली ऑन सेलोजिक मटेरियल टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन तो याद रखना कि अगर सेल्यूलोज कंटेंट ज्यादा होगा तो बायोगैस ज्यादा प्रोड्यूस होगा अगर सेल cell... ये नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा होगा तो बायोगैस कम प्रोड्यूस होगा याद रखना ठीक है, है तो इन बैक्टीरियाज को हम मीथेनोजेन्स कहते हैं और मीथेनोबैक्टीरियम कहते हैं पॉइंट नंबर ट्वेंटी ठीक है अब ये काम कैसे करता है अब इसको हम बताते हैं तो यही बैक्टीरिया होता है जो आपको एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में पाया जाता है और कहां पाया जाता है र्यूमेन ऑफ कैटल ठीक तो अब देखो बायोगैस कैसे काम करता है देखो देखो बायोगैस कैसे काम करता है तो द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्क्रीट टैंक दस से पंद्रह फीट नीचे इन विच बायो वेस्ट आर कलेक्टेड एन ए स्लरी ऑफ डंग जो भी बायो वेस्ट है कुछ भी बायो वेस्ट है ऑर्गेनिक कुछ भी वेस्ट है मतलब मान लो सड़ा हुआ वो कुछ भी जिसमें भी सेल्यूलोज हो सकता है मतलब पौधा हो सकता है जो मतलब क्या कहते हैं उसको पुआल होता है ना वो पुआल हो सकता है कुछ भी हो सकता है और बाकी गाय का पॉटी हो सकता है बाकी गाय का पॉटी हो सकता है इसको हमने डाल दिया ठीक है इसके ऊपर एक ढक्कन लगा दिया लो बता ही देते तुम लोग फिर बाद में जो, जो तो चिंटू गया खेती करने ठीक है सुनो चिंटू गया खेती करने तो चिंटू ने गोबर गैस प्लांट को तो बेसिकली कुछ नहीं किया गड्ढा खोल लिया पंद्रह मीटर ठीक है गड्ढा में पॉटी बध दिया क्या बधिया पॉटी बध दिया बर पॉटी पॉटी का कलर ये पॉटी का कलर होगा गड्ढा में क्या बधिया पॉटी बद पॉटी गाय का हो सकता है किसी का भी हो सकता है ठीक है थोड़ा गाय का जरूरी है बाकी तुम सबका पॉटी डाल सकते हो गाय का इसलिए जरूरी है क्योंकि मिथेनो जैन संघ चाहिए जो रूमेन ऑफ कैटल में पाया जाता है ठीक है इसके ऊपर हम एक फ्लोटिंग कवर लगा देते हैं इसके ऊपर हमें कवर लगा देते हैं ठीक है और उस कवर पे एक पाइप लगा देते हैं जो तुम्हारे घर तक जाएगा जो तुम्हारे घर तक जाएगा ठीक है इधर से हम तुमको क्या दे रहे हैं इधर से हम तुमको दे रहे हैं डंग और पानी मतलब तो पॉटी इधर से हम पॉटी यहां पे डाल रहे हैं तो अंदर पॉटी भरता जा रहा है ठीक है इधर से गैस निकलता जा रहा है और जो हो गया मतलब जिसका कार्यक्रम हो गया इसको हम यहां पे जमा कर लेते हैं और ये फर्टिलाइजर की तरह यूज हो जाता है मतलब हंड्रेड परसेंट यूज हो रहा है सब कुछ का ये फर्टिलाइजर की तरह यूज हो जाता है मतलब हंड्रेड परसेंट सब कुछ का यूज हो रहा है तो बेसिकली देखो अब तुमको दिखा रहे हैं बेसिकली क्या होता है ठीक है तो हो क्या रहा है हो क्या रहा है यहां पे देखो तो हो क्या रहा है कि यहां पे हमने डंग और पानी डाला ठीक है ये भरता जा रहा है यहां से यहां भरता जा रहा है ये फ्लोटिंग टैंक है ये वाला जो है फ्लोटिंग टैंक है ठीक है अच्छा 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 और क्या है कि जो एक्स्ट्रा हो गया जो मतलब खाम काम का हो गया वो यहाँ पे स्लज के फॉर्म में आ जाएगा ठीक है इसको हम फर्टिलाइजर की तरह यूज करेंगे ठीक है फ्लोटिंग इसलिए डाला है वाला जो फ्लोटिंग इसलिए कि गैस जमा करके रख सके सल को कल को मान लो कि हम इसको ऐसे बंद करके रखते हैं तो ज्यादा गैस हो जाता तो यह फट जाता तो इसलिए हमने इसको फ्लोटिंग डाला है ताकि ऊपर नीचे होके अपने हिसाब से ये गैस एडजस्ट करके रख पाए और ये गैस को हमने अपने घर के पास डाल दिया जिससे आप खाना बना सकते हैं पानी गर्म कर सकते हैं जो भी करना है आप वो कर सकते हैं हो क्या रहा है कि यहां जो डाइजेस्टर है यहाँ पे वही एनेरबिक स्ल यहाँ पे जो मिथेनोजन है ये सेलुलोज पे एक्ट करेंगे और ये प्रोड्यूस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मीथेन प्लस हाइड्रोजन गैस मैंने बताया था ये बायोगैस होते हैं कौन कौन से होते हैं बायोगैस यहाँ पे देखो मैंने लिखवाया था ना बायोगैस यहाँ पे कौन कौन सा है मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये तुम्हारा हो जाते हैं जो जलने में या कंबशन में काम करेंगे ठीक है आओ तो देखो तो दायो गैस डेट वी कंक्रीट प्लांट क्या हुआ दस से पंद्रह फीट डीप की है और फ्लोटिंग कवर लगा दिए उसके ऊपर एक फ्लोटिंग कवर लगा दिए उसके इस प्लेस स्लरी है, है, ये स्लरी है जो अंदर आया ठीक है अच्छा ज द गैस इज प्रोड्यूस इन दैंक ड्यू टू द माइक्रोबियल एक्टिविटी दायो गैस प्लांट है दी जो यूज हो गया उसको हम रिमूव कर लेते हैं थ्रू अनदर आउटलेट एंड कैन बी यूज एज फर्टिलाइजर ठीक है तो इससे हम लोग बायोगैस यूज करते हैं अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल कहां से आता है सवाल आता है इंडिया ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन शायद पे सब्सिडी भी पहले मिलता था अब मिलता है कि नहीं हमको नहीं पता ठीक है समझ में आया नहीं जल्दी बताओ जल्दी जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी, जल्दी। सबको समझ में आया बेटा सबको समझ में आया नहीं फर्टिलाइजर ठीक है स्मेल नहीं आता बेटा गोबर का क्या स्मेल आएगा और दूर रखा है ना घर अपने तुम्हारे नाक के पास थोड़ी डाल दें गोबर का क्या ही स्मेल आएगा ठीक है चलो बहुत बढ़िया अच्छा अगला आते हैं अगला आते हैं माइक्रोब्स माइक्रोव बायो कंट्रोल एजेंट देखो हम लोग स्पेसिफिकली नैरो स्पेक्ट्रम कराते हैं तो यहां पर यहां पर माइक्रोव यूज होते हैं क्या क्या है भाई तो बायो कंट्रोल एजेंट फॉर पेस्ट एंड डिजीज अब क्या क्या देखो ध्यान से ध्यान से देखो ध्यान से देखो ध्यान से देखो ठीक तो है तो यहाँ पे ऐसे ही बोल रहा था कहाँ कहाँ है क्या क्या, क्या है सिर्फ उतना जानो बाकी कुछ आपको नहीं जानना ठीक है क्यों यूज करते हैं ये सब आपको नहीं जानना सिर्फ यहाँ पे ये यह जानो ठीक है तो द वेरी फेमिलियर बीटल एंड रेड एंड ब्लैक मार्किंग द लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई आर यूज टू गेट रीड ऑफ ए फिट्स एंड मॉस्कुटो पॉइंट नंबर ट्वेंटी टू पंचायती में हमको नहीं पढ़ना ट्वेंटी टू ठीक है उसके बाद उसके बाद एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट डेट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरफिलस इन द बैक्टीरियम बैसिलस ट्वेंटी थ्री बैसिलस है कॉटन बॉल कॉर्न बोरल है ना तो याद ठीक है तो ये हम अलग अलग फॉर्म में भी ले सकते हैं दे कैन बी ड्राइड इन फॉर्म ऑफ सैशे सवाल आया हुआ था अवेलेबल इन ड्राइड स्पोर्स आर मिक्स विद वाटर एंड एंड स्प्रेड ऑन सच ब्रासिकाज तो इससे क्या होगा कि जैसे वो बटरफ्लाई उस पर बैठेगी वो बैसिलस थ को ले लेगी वो बैसिलस थोरजेस उसके पेट में जाएगा और एसिडिक पीएच में जाके उसको मार देगा एक्टिवेट कर देगा एसिडिक पीएच में जाके उसको मार देगा तो यहाँ पे ये करते हैं ठीक है बीटी कॉटन भी हमने देखा था ठीक है वो भी अलग हो गया ठीक है फिर बायो कंट्रोल एजेंट ट्रीटमेंट फॉर प्लांट डिजीज फंगस ट्राइकोडर्मा ठीक है ये भी तुमको इफेक्टिव अगेंस्ट सेवरल पैथोजन ट्वेंटी फोर्थ ठीक है अब बायो कंट्रोल बींग डेवलप फॉर यूज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज इज फंगस ट्राइकोडर्मा ये प्लांट डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए होगा ठीक है चलो ये आ गया क्या बेटा सॉरी एल्केलाइन पीएच अरे यार एल्केलाइन 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 पीएच ऑब्वियसली एसिडिक पीएच तो हमारे पेट में होता है एल्केलाइन पीएच उनके घट होता है हाँ एल्केलाइन एल्केलाइन ठीक है गुड हाँ हाँ एल्केलाइन सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया जुबान पे चल गई मेरी चलो आ, देखो <coughs> आ <आज़ों>. जाओ <coughs> अगला अगला क्या बैक्यूलो वायरस आर पैथोजन दैट अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर कौन कौन सा है वायरस ये भी बायो कंट्रोल एजेंट के फॉर्म में यूज होता है दीज आर एक्सीलेंट फॉर स्पीसीज स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम इंसेक्टाइडल एक्शन ताकि इससे मेरे बायोडाइवर्सिटी पे ज्यादा नुकसान ना पड़े पॉइंट नंबर ट्वेंटी फाइव Ka, virus, ये भी है, है? ये यूज होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में आईपीएम ये भी इंपॉर्टेंट है ठीक <coughs> है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, है तो ये आ गया तो बैक्यूलोल वायरस न्यूक्लियो पोलीहाइड्रो वायरस अब तुमको दिखाएंगे कैसे तुम रिविजन कर सकते हो इसको दस मिनट में ये दिखाएंगे दस मिनट भी नहीं लगेगा हमको अब ऐसे अंडरलाइन करके मैंने तुमको पॉइंटेज दे दिया ना कि तुम इसको दस से बारह मिनट में रिवाइज कर लोगे दस मिनट भी नहीं लगेगा ठीक है।, है दूसरा आते हैं बायो फर्टिलाइजर्स बायो फर्टिलाइजर्स में हम क्या क्या यूज करें भाई अलग अलग ये लिखवाए थे उसमें एरोबिक कौन सा है Aurobic कौन सा है सब सब उसमें लिखवा दिए थे बट चलो फिर से लिखना है तो लिख लो ठीक है तो यहाँ देखो तो अलग अलग तो द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स टू इन द न्यूट्रिएंट ऑफ सॉइल कैसा सिम्बायोटिक एसोसिएशन में राइजोबियम ठीक है ये नाइट्रोजन फिक्शन मैंने इसमें लिखवा दिया था ठीक है फ्री लिविंग में आ गया एजोटोबैक्टर आजो तो ठीक है सिम्बायोटिक में राइजोबियम फ्री लिविंग में आ गया एंड एजोबैक्टर ठीक है सिंबायोटिक एसोसिएशन विथ नॉन लेग्यूमिनस ग्लोमस ठीक है ठीक है ये आ गया एक और ठीक है तो क्या करता है द फंगल इम्बायस फ्रॉम सोइल इन पास टू द प्लांट ठीक है साइनो बैक्टीरिया में आ जाएगा तुम्हारा नॉस्टॉक एनाबीना इन पैडी फील्ड इन पैडी फील्ड ठीक है तो ये तुम्हारा आ गया बाकी मैंने तुमको उसमें करा दिया है ये पॉइंटर्स लिखो ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन और ठीक है हाँ जी समझ में आया कुछ दिक्कत है इसमें तो बताओ बेटा कुछ कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो जल्दी फटाफट फिर तो तुमको दिखाएंगे कैसे पॉइंटर वाइज तुम रिवाइज कर सकते हो समझ में आया बेटा अभी पीडीएफ डी भेजना है समझ में आया आया नहीं जल्दी बताओ अंगूठा दिखाओ समझ में आया है नहीं समझ में आया है नहीं ठीक है अब देखो कैसे पॉइंटर्स तुमको याद करना है मान लो कि तो रिवाइज करो तुमने पढ़ लिया पहली बार अच्छा भाई क्या पढ़ रहे हैं हम देखें तो फटाफट फटा हम रिवाइज करेंगे क्या पढ़ेंगे भाई पहला पॉइंट माइक्रोब्सा डाइवर्स ये वाला पॉइंट नंबर वन हो गया मेरा ठीक है फिर क्या करेंगे हम दूसरा अच्छा ये स्ट्रक्चर ऐसा है ठीक है तीसरा हमने क्या किया लैब तो इस तरह से तुमको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इनोकुलम प्रकट्रिया तरह काम कर रहा है ठीक है उसके बाद स्ट्रक्चर सर्विसेज सर्विसेस स्विच चीज

तुम्हारा उसका प्लांट का जो एसोसिएशन होता है उसको माइक्रोराइजल एसोसिएशन कहते हैं ठीक है सिम्बाइटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद प्लांट इज कॉल्ड माइकोराइजल एसोसिएशन ठीक है तो ये तुम ऐसे इस तरह से कर लोगे आ गया चलो तो हो गया चैप्टर खत्म